चाइना और पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच बॉर्डर पर अब युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इसलिए हाई एल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन वॉरफेयर से निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने भारत सरकार से 354 नए लाइट जोरावर टैंक की मांग की है। वैसे तो भारतीय सेना के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक टैंक है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ी वाले इलाकों में भारतीय सेना को इन भारी भरकम टैंकों के साथ काफी दिक्कत आती है, इसलिए इन खतरनाक और आधुनिक टैंकों को खरीदने जा रही है। आपको बता दें कि जोरावर टैंक को पहली बार गुजरात में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था और इस टैंक को भारत की स्वदेशी कंपनी L&T बना रही है। और इस जोरावर टैंक का वेट 25 टन के आसपास है और इसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है और ये एडवांस तकनीकी और AI सिस्टम से लैस है। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें लोटिंग मोशन वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका पहला प्रोटोटाइप 2023 में आ जाएगा, जिसके साथ इंडियन आर्मी ट्रायल शुरू कर देगी और 2025 तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।